सरकार के नई रेत नीति के तहत महासमुंद जिले की 5 रेत खदानों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं नई रेत नीति को लेकर पूर्व विधायक विमल चोपड़ा का कहना है कि सरकार की नई नीति सही है लेकिन नियत बिल्कुल भी सही नहीं है। पूर्व विधायक ने रेत खदानों को नियंत्रण विहीन बताते हुए रेत माफियाओं को संरक्षण मिलने की बात कही। उनका कहना है कि नई नीति से सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकी उम्मीद तो नहीं बल्कि नेताओं के जेब में जरूर बढ़ोतरी होगी। साथ ही 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक बंद लिफाफे में खदानों में लिए गए टेंडर मंगाया गया है जिसे 19 सितंबर को खोला जाएगा और दस्तावेजों की जांच के बाद सबसे कम मूल्य की बोली के टेंडर वाले आवेदन पर खदान देने की अनुमति बनेगी। सरकार ने जो नीति बनाई है अच्छी है लेकिन सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। इससे जो रेत माफिया है वो फलेगा फूलेगा और आज जिस प्रकार से नियंत्रण विहीन रेत खदाने हैं, न गांव की पंचायत से किसी प्रकार से चर्चा की जा रही है, न कोई गांव नया नियम आया है और नए नियम से ऐसा लगता है कि रेत के अवैध परिवहन की जो बीच बीच में शिकायतें होती थी उत्खनन की, उस पर ये नया नियम और ज़्यादा प्रभावी तौर पर कारगर साबित होगा और साथ ही शासन को ज़्यादा राजस्व मिलेगी।